अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू तो जहली जलीसेज किचन आज हम आपके साथ शेयर करेंगे विंटर स्पेशल गाजर की बर्फ़ी की रेसिपी इसे बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक किलो गाजर लिए जिन्हें हमने छील लिया छील के हमने धो लिया इसके जंझल काट दिए अब हमें अपने गाजरों को कद्दूकस करना है एक कद्दूकस की मदद मतलब से बिल्कुल बारीक वाले छेद से इस तरीके से सारी गाजरों को हमने कद्दूकस कर लिया ये देखिए गाजर हमारे कद्दूकस होकर तैयार हो गए इन्हें हम साइड में रख देते हैं आज हम बनाना स्टार्ट करते हैं बनाते जाएंगे साथ ही हम आपको बताते जाएंगे यहाँ पर हम गैस पर कढ़ाई रख देंगे कढ़ाई में हम चार चम्मच घी डालेंगे घी को हम मेल्ट होने देते हैं ये देखिए घी हमारा मेल्ट हो गया अब यहाँ पर अपने गाजरों को ऐड कर देंगे ये देखिए गाजर हमने अपनी ऐड कर दिए अब अपने गाजरों को हम चलाते हुए फ्राई करना है इस तरीके से बीच में मैं चलाते हुए अपने गाजरों को फ्राई कर लेंगे ये देखिए यहाँ पर हमारे गाजरों का कलर चेंज होने लगा है हमारे गाजर फ्राई होने लगी हैं ये देखिए गाजर हमारी फ्राई हो गई है आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें हाफ लीटर दूध डाल देना है रूम टेम्परेचर का और चलाते हुए पका लेना है हमें तब तक पकाना है अपने दूध और गाजर को तब तक ये दूध और गाजर मिक्स ना हो जैसे हम साइड में रख देते हैं यहाँ पर हमें सूजी रोस्ट करनी है ये देखिए यहाँ पर हमने फ्राई पैन में आधा कप सूजी लिया है जिसे हम इस तरीके से चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे दो से तीन मिनट के लिए ये देखिए यहाँ पर हमारी सूजी रोस्ट होने लगी इसे हम साइड में रख देते हैं अब दोबारा से अपने गाजरों को देख लेते हैं ये देखिए गाजर और दूध मिक्स हो गया है घी नजर आने लगा है अब हमें यहाँ पर वन एंड हाफ कप चीनी ऐड कर देनी चीनी आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं चीनी को भी हमें दो से तीन मिनट के लिए पका लेना है अपने गाजरों के साथ इस तरीके से बीच बीच में चलाते हुए ये देखिए चीनी हमारी मेल्ट होने लगी है आप देख सकते हैं यहाँ पर ये देखिए चीनी डालने के बाद हमारे गाजरों का कलर चेंज होने लगा है इस तरीके से चलाते हुए अपने गाजरों को हम पका लेंगे ये देखिए ये देखिए चीनी और गाजर हमारी अच्छी तरीके से पक गई हैं अब यहाँ पर अपने सूजी ऐड कर देंगे जो हमने रोस्ट करके रखी हुई थी अब इसे भी हम मिक्स कर देंगे दो मिनट के लिए इसे पका लेंगे इसी तरीके से चलाते हुए यहाँ पर हम थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे ये ऑप्शनल है आप डालना चाहें डालें नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं यहाँ पर जैसे डालें थोड़ा सा कलर अच्छा हो जाएगा हमारा हलवे का दो मिनट के लिए और पका लेंगे ये देखिए सूजी डालने के बाद हमने दो से तीन मिनट के लिए पका लिया है यहाँ पर हमने चार चम्मच मिल्क पाउडर लिए इसे भी ऐड कर देंगे और दो मिनट के लिए इसे डाल के इसे पका लेंगे यहाँ पर हम दो चम्मच घी और डाल देंगे अब हमें तीन से चार मिनट के लिए अपने हलवे को पका लेना ये देखिए ये देखिए हलवा हमारा पक्का तैयार हो गया अब यहाँ पर हम थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देंगे यहाँ पर हमने काजू बादाम थोड़ा सा पिस्ता डाला है और यहाँ पर हम वन टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे हरी इलायची का पाउडर से अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे एक मिनट के लिए और पका लेंगे ये देखिए गाजर का हलवा यानी गाजर की बर्फी हमारी जम तैयार हो गई हैं अब यहाँ पर हम एक प्लेट लेंगे प्लेट में हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे यहाँ पर अपने हलवे को सेट कर देंगे इस तरीके से दबाते हुए यहाँ पर हम एक कटोरी लेंगे कटोरी की मदद से इस तरीके से अच्छे से बराबर कर लेंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए ये देखिए गाजर की बर्फी को हमने अच्छे सेट कर दिया यहाँ पर हमने थोड़ा जायफल ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दिया अब यहाँ पर हम कट लगा देंगे अपनी गाजर की बर्फी में ये देखिए यम्मी एंड डेलीशियस हमारी गाजर की बर्फी तैयार हो गई है अब यहाँ पर हम अपनी बर्फियों को हम सर्व करेंगे पहला हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं उसके बाद हम सर्व करेंगे ये देखिए देखने में हमारी बर्फी कितनी अच्छी लग रही है हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ये देखिए गाजा की में सर्द कर दिया उम्मीद करते हूँ हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाना ना भूलें तक हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे फिर मिलते हैं नई रेसिपी साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़